नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। आज के सबसे बड़े सवाल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे कल हम आप तक पहुंचा रहे थे और आपने देखा कि जो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल थे वो इजैक्ट पोल से बिल्कुल अलग थे। साथियों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गोदी मीडिया आप तक सच्चाई पहुंचाती है। गोदी मीडिया का जो सर्वे था वो मोदी का आदेश था या एजेंसियों का सर्वे? ये एजेंसियों का सर्वे था, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी, तो वो सार्वजनिक करना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? फिलहाल अब हम इन सब चीजों पर बहस नहीं करेंगे, अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो आपने देखा 400 पार का नारा पूरी तरह से फेल हो गया और सरकार बनाने में लाले पड़ रहे हैं। इन सब विषयों पर विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी दिनेश कुमार वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे आखिर समझौता किस बात पर होकर सरकार बनेगी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी दिनेश जी, आज सबसे बड़े सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। आखिर समझौता किस बात पर होकर सरकार बनेगी? जैसा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों लोग इंडिया के अलायंस जो हुआ एनडीए की बैठक हुई थी उसमें शामिल थे, किन मुद्दों को लेकर के बात की है इन लोगों ने, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अनिल जी, मैं आपको और आपके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे जी कि जो इंडिया गठबंधन है आपस में सिर्फ टुटवल करेगा और जो है हमेशा मुख्य प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कराने में ही बीत जाएगी, कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी कई कई बार दल बदलू किया है, पलटे है, पलटूराम कहा जाता है जी, तो अब वही चीज लागू होती है एनडीए के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्योंकि 240 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी पार्टी है वही कांग्रेस दूसरे नंबर पर, जिसके 99 कैंडिडेट जीते हैं जी, वही अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, लेकिन फिर भी जो है पूर्ण बहुमत की बीजेपी नहीं बना पाई, तो गठबंधन के सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाई है उसी तरीके से जो है बगैर जोरगाठ के, बगैर गठबंधन के सहारे लिए एनडीए की सरकार नहीं बन सकती है। जो उसी तरीके से जो छोटे दल हैं वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं और इसी किंग मेकर की भूमिका में जो है अपने अपने हित के लिए मंत्री पद को भी मांग कर रहे हैं, कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू मंत्री पद के साथ साथ स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि छुटभैया नेता जिनकी एक एक दो दो सीटें हैं वो भी एक एक दो दो मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। प्रिया पटेल जी हैं वो भी मांग कर रही है, जयंत चौधरी है जी, जो जयंत चौधरी वो भी मांग कर रहे हैं, इसलिए जो है अब वही चीज इनके ऊपर भी आ रही है कि अब दबाव में काम करना पड़ेगा। अभी तक जो है ये नरेंद्र मोदी इतने शाही अपनाते थे और जो मनमाफिक काम करते थे हर चीज बदल देते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं कर पाएंगे। फिर सरकार बना भी लेते हैं किसी तरीके से उनको मान मनोवल करके या उनके मन मुताबिक पद देकर, उसके बावजूद भी हमेशा दबाव में काम करेंगे और विपक्ष मजबूत है तो ये कभी भी जो है दरवाजा विपक्ष के भी खुले रहेंगे कि भी इधर की बजाय उधर दरबदरी हो सकते हैं। तो आज एनडीए की सरकार बन जाती है तो कल जो कोई भी मामला होगा तो कोई घुटन महसूस करेगा भाजपा में या एनडीए में, तो सरकार पाला बदल करके इधर आ सकता है, इधर भी सरकार बन सकती है। जिस तरीके से आज की सुबह का मामला है जिसमें फ्लाइट से जो है तेजस्वी के साथ नीतीश जी गए थे इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे, तो सौदा दोनों तरफ चल रहा है, इधर जहाँ जिसको जो है अच्छा पद मिलेगा बार्गेनिंग करेंगे, जहाँ उनका हुक्म होगा वहीं पर जाएंगे। इस तरीके से सरकार अस्थिर सरकार बनेगी, चाहे एनडीए की बने चाहे इंडिया की बने, दोनों सरकारें बनती है तो अस्थिर सरकारें होंगी, अस्थिर सरकारों में जो है जनता का फायदा होगा जी। दिनेश जी, एक सवाल और है हमारा आपसे। दिनेश जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 जी। दिनेश जी, एक सवाल और है हमारा आपसे कि जो वही नीतीश कुमार है जिनको जो है भाजपा ने काफी जो है परेशान किया था
जिनको बेइज्जत किया था नरेंद्र मोदी ने, पीठ पर छुरा भोंकने की बात कही थी, आज वही जो नेता है वही उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? हम आपको बताना चाहते नहीं जी, इसके पीछे यही राज है कि ये केवल जो है सत्ता पक्ष की लालच की मोह माया का मामला है, नहीं तो बाकी यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चंद्रबाबू नायडू के आतंकवादी कह रहे थे जी, लेकिन आज उन्हीं को मिलाने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हीं की रहमो कर्म पर सरकार बनेगी। यदि आज की तारीख में नीतीश कुमार जी 12 साल से लेकर के और यदि 12 साल से लेकर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू अपने शासन लेकर के यदि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो आज की तारीख से पूर्व बहुमत के साथ जो है इनकी सरकार बन सकती है निर्दलीयों को मिला करके इंडिया की जी। तो आज मजबूरी है, मजबूरी में सब कर रहे हैं। और वहीं पर जो है एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये बेमेल गठबंधन जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं आगे चल करके जो बहुमत साबित करने में एक मनवासित पद नहीं देते तो सरकार जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी उसी तरीके से एनडीए की सरकार बहुमत साबित करने में गिर भी सकती है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सकता है, क्योंकि बैठक इंडिया गठबंधन में जारी है और कहीं ना कहीं बार्गेनिंग वहां पर भी चल रही है। दिनेश जी ये तो के साथ साथ जो जहां तक मेरी सोच है, क्या ये जो है नीतीश कुमार डर में भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं एनडीए गठबंधन में? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये राजनीति जो है जी राजनीति में सब कुछ जाय है, साम दाम दंड भेद सब कुछ जाय है। और एक बात और बताते हैं कि जिस तरीके से छोटे दल डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में करीब 18 सरकारें जो है भाजपा ने गिराई है, कई बार्गेनिंग करके जो है खरीद फरोख करके, तो उसी तरीके से जो है ये छोटे दल समझ रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि आज उनको समर्थन दे दे कल हमारे सांसदों को ही तोड़ लें या इधर उधर कर लें, तो इसलिए बहुत ही आशंका डरे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की आदत रही है कि जिसके साथ रहो उसी के दल को तोड़ करके आप पूरी सरकार अपनी बनाने का प्रयास करो। दिनेश जी को इससे यही लगता है कि जो नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से डरकर भी आ सकते हैं, इनके साथ में जो समझौता किए हैं वो पदों का, हमें तो यही लग रहा है कि पदों का एक दिखावा है कि हमें पद चाहिए, मंत्री पद चाहिए, स्पीकर का पद चाहिए, लेकिन अंदर की बात कुछ और लग रही है। जिसको इतना बेइज्जत किया जाए, इतने जो है एजेंसियों की जांच का धमकी दी जाए, वो इसके बाद में भी उसका साथ दे, तो कहीं ना कहीं तो दिनेश जी सोचने वाली बात होगी जी। यही बात है कि जैसे मान लिया सभी दल टूट करके या जो वॉशिंग मशीन मतलब वॉशिंग मशीन कहा जाता है तो उसी ईडी से भेज देती है भाई दिखा करके अपने में शामिल करना चाहते हैं, वही चीज है कि सुबह है जाते हैं इंडिया गठबंधन में मीटिंग में शामिल होने के लिए, शाम को उधर जो है अपना जो है समर्थन पत्र दे देते हैं। तो जिस तरीके से होता है मायावती का हश्र हुआ है, ठीक उसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का भी हश्र हो सकता है भाजपा में सरकार बनवाते हैं तो। जैसे मायावती अच्छी खासी पिछली बार जो है 5 से 15 सीटें हुई थी, मतलब उनकी जो है 15-10 सीटें हो गई थी मायावती की, बिल्कुल अखिलेश की 5 ही हुई थी, लेकिन आज मायावती 0 बटा 0 है, 0 पॉइंट पर है। इसलिए जो है यही हश्र इनका भी होगा, या तो मिला लिए जाएंगे या तो इनको जो है मायावती के हस्त पर पहुंचा दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ सीटें निकल भी सकती थी, लेकिन धमकी देकर के मायावती को मजबूर किया गया कि जो आनंद जिसको जो है बनाया था, यदि वो कागज से कंपेनिंग करता तो मायावती की कुछ सीटें मिल भी सकती थी, लेकिन उसको रोक दिया गया, अमित शाह ने रोक दिया। इसलिए जो है एकदम क्लियर कट बात है कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं वाली बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी हमारे साथ।